हमारा भारत विश्व गुरु कहा गया और अब आज के राजनीतिक युग में भारत को दोबारा विश्व गुरु बनाने की बातें कही जाती हैं, लेकिन टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जब आती है तो उच्च शिक्षा के पहले 300 संस्थानों में भी भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट अपनी जगह नहीं बना पाता है, क्योंकि उच्च डिग्री धारियों के भी रोजगार पर सरकारें संकट पैदा कर देती। सिर्फ 3 दिन बाद IIT पास इंजीनियर क्या बेरोजगार हो जाएंगे? यह समझने के लिए आप हमारी संवाददाता मिलन शर्मा की इस रिपोर्ट को अंत तक अवश्य देखिएगा। भारत माता की, भारत माता की, ये भारत माता की जय भी बोलते हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये गर्व से वंदे मातरम बोलते हैं। लेकिन कैमरा घूमता जाता है, हाथ में पोस्टर लिए युवा दिखते हैं, इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी परीक्षा IIT NIT पास किए नौजवान, जो योग्यता की जगह कृपा भरोसे छोड़ दिए जाने के खिलाफ अपने अधिकार के लिए दस्तक देते हैं। इनमें महिलाएं हैं, नौजवान हैं, युवतियां हैं। दिल्ली में जब बारिश होती है बचने के लिए इनके पास छाता है, लेकिन बेरोजगारी के आते तूफान से कैसे ये पढ़े लिखे नौजवान लड़ेंगे कोई बताने वाला नहीं है। आपको दिखाते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है। 6 महीने पहले ये टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के प्रोफेसर्स हैं, IIT NIT से पढ़े लिखे, जो अपने राज्यों में बच्चों को इंजीनियरिंग सिखा रहे थे। जब 6 महीने पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी तो ऐसे ही ये दिल्ली की सड़कों पर धरना दे रहे थे कि इनको जो रेगुलराइजेशन है इनकी जॉब में वो मिल जाए। अब 6 महीने बाद फिर से ये दिल्ली की सड़कों पर हैं। रिसर्च किया है, रिसर्च ग्रांट भी लेके आए हैं, तो हमारी अब बस सरकार से यही उम्मीद है कि वो हमारे इस जो हमने कार्य किया है उसको विफल ना होने दे और हमें रेगुलाइज करे। दरअसल देश में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत देश के 12 राज्यों के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT NIT पास 1,554 लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया, लेकिन 3 साल बाद योग्य शिक्षकों को पक्की नौकरी देने के नाम पर केंद्र की सिफारिश के बावजूद दावा है राज्य सुन तक नहीं रहे। इसकी कंडीशंस थी वो ये थी कि शुरुआत के 3 वर्ष केंद्र सरकार जो है हम लोगों को रिक्रूट करने के बाद राज्य सरकारों के विभिन्न सरकारी संस्थानों में भेज दिया गया था। 3 वर्ष हमारी जो सैलरी है और भी जो काम हमें दिए गए थे उन सभी का जो वित्तीय चीजें हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से अफोर्ड की जानी थी, और 3 साल के बाद जो भी वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज थे उनको स्टेट गवर्नमेंट के सिस्टम में एब्जॉर्ब किया जाना था। ऐसा एक MOU राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में साइन हुआ था। मार्च के महीने में यही उच्च डिग्रीधारी नौजवान केंद्रीय मंत्री के भरोसे पर 6 महीने का एक्सटेंशन पाकर वापस अपने इंस्टीट्यूट चले गए, लेकिन अब दोबारा 30 सितंबर तक ही नौकरी की डेडलाइन बची है। फिर से ये दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो छात्र हैं जिन्होंने देश के इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज की नौकरी छोड़ी, अपनी PhD का सपना छोड़ा, अब उन्हें भी पक्की नौकरी नहीं दे पाए तो जान लीजिए कि 30 सितंबर के बाद IIT पास युवा भी बेरोजगारों की भीड़ में शामिल कर दिए जाएंगे। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। क्या कसूर है इन युवाओं का? लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर इन्होंने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, देश सेवा के लिए सरकार की बात मानी थी। क्या सरकार से बात मनवाने के लिए जाम लगाना जरूरी है? जनता के समर्थन में दस्तक, दस्तक के इस अगले हिस्से में देखते रहिए आज।